प्रयागराज के निकाय चुनाव में सायं 6 बजे तक नगर निगम में मात्र 31.59% एवं नगर पंचायत में कुल 58.08% मतदान हुआ, जिसमें महापौर के लिए कुल 21 उम्मीदवारों एवं 100 वार्डों के लिए 909 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। अब इनके भाग्य का फैसला 13 मई को होगा। शहर में कुल मतदाताओं की संख्या 15,70,771 है, जिसमें पुरुष 2,85,961 एवं महिला 2,08,510 महिला यानी कुल 4,94,471 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी प्रकार नगर पंचायत के चुनाव में 58.08% मतदान हुआ, जिसमें सिरसा में 6,724 मतदाता 63.96%, हंडिया में 12,514 मतदाता 59.99%, भारतगंज में 10,037 मतदाता 57.19%, कोरांव में 8,608 मतदाता 68.29%, शंकरगढ़ में 8,445 मतदाता 55.85%, लालगोपालगंज में 16,391 मतदाता 55.25%, मुआइमा में 9,248 मतदाता 56.96% एवं फूलपुर में 12,788 मतदाता 54.69% मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार खत्री ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत मुंडेरा मंडी में चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों को जमा करने के लिए बनाए गए रिसीविंग काउंटर व स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक आरओ रिसीविंग काउंटर पर जाकर ईवीएम मशीन को रिसीव करने वाले लोगों को पीठासीन अधिकारी की डायरी व मतपत्र लेखा की जाँच के उपरांत ही स्ट्रांग रूम में अंकित वार्ड संख्या के अनुसार ही रखने के लिए निर्देशित किया। आज नगर निगम प्रयागराज महापौर और पार्षद के लिए निर्वाचन हो रहा है। आज 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज नगर निगम में 28.59% रहा है और हमारी नगर पंचायतों में लगभग 50% के आसपास रहा है। मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा है और 6 बजे तक ये मतदान होना, उसके बाद से सारी हमारी मतदान पार्टियाँ अपनी कार्रवाई पूरी करके मंडी की ओर आएंगे और मंडी में हम लोगों ने स्ट्रांग रूम बनाया जहाँ पर इन सारी ईवीएम्स को हम लोग स्ट्रांग रूम में सील करेंगे। सर, कई जगहों पर फर्जी वोटर आईडी कार्ड के साथ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो कितने लोग गिरफ्तार हैं? हमें 2-3 ऐसे लोग मिले हैं जिनकी आईडी को चेक किया गया तो 2-2 नंबर दिखाई दिए, तो उनको हम लोग जाँच कर रहे हैं और फर्जी आईडी का मामला रहेगा तो हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।